मालेगांव शहर, खास तौर से मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। हम देख रहे हैं कि मालेगांव आउटर में जो काम हो रहा है सरकारी फंड से और कॉरपोरेशन के बजट से, पिछले 2 साल से ऊपर का अरसा हो चुका कॉरपोरेशन पे प्रशासक राज है। प्रशासक राज का मतलब है कि सरकार का राज है। हमें तरक्की के नाम पर मालेगांव शहर में ये बताया जाता है या न्यूज़ यूट्यूब पर इफ्तिता ये नाम से ऐसा लगता है कि करोड़ों का काम हो रहा है, मगर जब हम ज़मीन पर आते हैं और देखते हैं तो मुसलसल मालेगांव शहर बदहाल है। यहाँ पर रोड के नाम पर आज भी मुजाफात के कई हिस्से वीरान पड़े हैं। इफ्तिता तो कई चीज़ों का होता है मगर कभी काम नहीं होता। और दादा भुसे जो पालक मंत्री हैं नासिक ज़िले के, इससे पहले भी हम बोले कि पालक मंत्री जो है वो पूरे हलके का, पूरे ज़िले का पालक मंत्री होता है। हमको कोई गवर्नमेंट का फंड नहीं मिलता और आज के मौजूदा आमदार जो है 2-4 काम लेकर ऐसा बताते हैं कि उन्होंने काम मंजूर किए। पीछे जब 5 साल शेख आसिफ खानवादे का कॉरपोरेशन पे राजपाट रहा, उस वक्त भी सारे कामकाज दादा भुसे की मर्जी से ही किए गए। ऐसा क्या जादू है दादा भुसे के अंदर के माजी आमदार और आज के आमदार ये दोनों उनके रंग में रंग जाते। जब जैसा मौका मिलता है मंत्री साहब को वैसा फ़ायदा उठाते, मगर मालेगांव की बदहाली पर ये नहीं बोलते। आप देखे होंगे कि हमारे मौजूदा MLA उस तरफ के इफ्तिताही प्रोग्राम में हाजिर थे। दादा भुसे साहब का कोई बड़ी उनसे, उनके सर पर अगर कुछ कचरा या कुछ आ गया तो उसको साफ भी कर रहे थे। ये जी हुजूरी कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का दबदबा कम कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि वो इफ्तिते में जाने से पहले उन्हें मालेगांव शहर और ख़ास तौर से मालेगांव सेंट्रल की जो बदहाली है उस पर बात करना चाहिए थी। नियोजन समिति में वो हैं, नियोजन समिति में होने के बाद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी जो है 130 काम का टेंडर PWD से निकला। हमेशा ये हुआ है कि कॉरपोरेशन अगर कोई फंड देती है यानी हिस्सेदार होती है तो उसका टेंडर हमेशा कॉरपोरेशन से निकाला जाता। इसमें 130 काम में लगभग 35 करोड़ का ये काम है जिसमें 30% कॉरपोरेशन का है, और अगर ये काम अबो में गया तो वो भी जनरल फंड से दिया जाएगा। ये 130 काम में हमको सिर्फ 10 काम मिला है मालेगांव सेंट्रल को, और वो 10 काम की लागत लगभग 5.25 करोड़ रुपया है, और हमारा पैसा जा रहा है 12 करोड़ जनरल फंड से। उस पर भी जब ये 8-10 काम जो है इसको ये बताया जाएगा कि गवर्नमेंट से बात करके या मंजूर करके लाया गया, मगर सच बात यह है कि अगर हमारे जनरल फंड का हिस्सा ही हमको मिल जाता तो हम 12 करोड़ का काम कर लेते। ऐसा ही फैसला इससे पहले शेख रशीद खानवादा जब था, इन्होंने ठहराव करके 100 करोड़ का दिया था, आज भी हम उससे महरूम हैं। मिर्ज़ा गालिब रोड जैसी इफ्तिताही प्रोग्राम को लगभग 1.5-2 साल हो गए, आज भी वो रोड नहीं बनी। नुमानी पुल के सवाल पर मैं उस वक्त भी ये बात बोला था कि जब ये सब ब्रिज मंजूर हुए थे जिसका इफ्तिताह है, जब उस वक्त के कमिश्नर के पास मैं बैठकर नुमानी पुल की बात बताया तो उनको इल्म नहीं था। उसी वक्त बच्छाव साहब को बुलाया गया जो सिटी इंजीनियर है, और उनको कहा गया कि यार ये ब्रिज का काम मंजूर करो, और मैं उस वक्त ये बोला था कि सैंडवे ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। आज भी सैंडवे ब्रिज को पैदल के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा, बनने के बाद वहाँ जीना बना दिया गया पैदल आने जाने के लिए। वो सैंडवे ब्रिज उस वक्त भी पैदल आने जाने के लिए था, कोई ज़रूरत नहीं थी उस, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो तारीखी ब्रिज था। उसको तोड़ने के लिए भी बहुत ताकत लगी, बहुत वक्त लगा, मगर बिला वजह तोड़कर वो बनाया गया। और उस वक्त कमिश्नर को मैं बोल दिया था कि अगर तुमने नुमानी ब्रिज का फंड नहीं दिए तो मैं एक भी ब्रिज बनने नहीं दूंगा, और इस बात पे उन्होंने कहीं ना कहीं वो काम आगे बढ़ाया। मगर उस वक्त भी मौजूदा MLA वहाँ पर नुमानी ब्रिज पर आए, मैं भी गया, 2-3 मेरी मीटिंग हुई, 2-3 बार मेरी प्रशासक से उस वक्त की मीटिंग हुई, ये भी गए। ऐसा लगने लगा कि मेरी वजह से काम रुक ना जाए, तो मैं ये बोला कि यार ठीक है आप काम कर लो, मैं
मीडिया के सामने बोला था, लगभग उसको 2 साल होने का अरसा है और उस वक्त भी मौजूदा MLA वहाँ पर ये बोले थे कि मैं वो काम 2 महीने में करा दूँगा। आज 2 साल का अरसा हो गया, सिर्फ बात हो रही है कि हमारा बजट मंजूर हो गया, हमारा ये हो गया वो हो गया, और यहाँ का तुम देखेंगे सैंडवे ब्रिज बन गया, एक ब्रिज और बन गया। बोलने का साफ मतलब ये है कि हमारे सेंट्रल का पैसा मुसलसल मंत्री साहब अपने हिस्से में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी आजी माजी आमदार कुछ भी नहीं बोलते, उनके प्रोग्राम में जाते हैं उन पर कोई बात नहीं बोलते कि यार शिवाजी पुतले को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको एक बात मैं बता दूं कि शिवाजी पुतला मेरी मालूमात में लगभग 40 साल वो हो गया वहाँ बने हुए, वो 2 टांग पे खड़ा है, पूरा लोड आगे है। जब इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया इस पुतले का, तो ये बोला गया कि ये अभी और 50 साल चलेगा। तुम देखेंगे तो शिवाजी पुतले को हटाया ही नहीं गया, वो पुतला वैसे ही है। यही सरकार में 8 महीने में पुतले गिर गए शिवाजी महाराज के ही, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो पुतला जिस वक्त बना था, बोलने का मतलब ये है कि पहले जो काम होता था इस शहर में उसकी क्वालिटी क्या थी, कि 2 टांग पे खड़ा पुतला जिसका लोड पूरा आगे है, टेक्निकल कितना मजबूत काम किया जाता था, कि इन्होंने चाह के भी, मुझे ये लगता है कि अगर वो पुतला निकाल के दूसरा बनाते तो 2, 5, 10 साल में गिर जाता, मगर वो टेक्निकली इतना अच्छा बना हुआ है कि उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा ये बोलना था कि वो ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर, मगर अब उस हिस्से में रोड गटर सब अच्छी बन गई, तो अब तज़ीन कारी हो रही है और मालेगांव सेंट्रल आज भी फिरका परस्ती की वजह से और ये लोगों की जी हुजूरी की वजह से, मंत्री के सामने जो जी हुजूरी करते, मैं इससे पहले भी बोला कि मौजूदा MLA मंत्री के मुर्गे हैं, वो जब बोलेंगे तो बांग देंगे, नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, उनके इफ्तिताही प्रोग्राम में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर मालेगांव सेंट्रल की आवाम के लिए ना ही कभी वो कोई बात बोले, ना नियोजन समिति में बोले, ना कॉरपोरेशन का इतना बजट जा रहा है उस पर बोले। हम इस मामले में कल एक हमारी अवामी मीटिंग, वर्करों की एक मीटिंग बुलाएंगे और हम शिवाजी पुतले पर ही इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जल्द ही धरने का ऐलान करेंगे, क्योंकि वही हिस्सा ऐसा है जो दोनों से कनेक्ट है। और अब हम ये बात अवामी सतह पर एहतजाज के ज़रिए, वो मंत्री के खिलाफ एहतजाज समझा जाए, प्रशासन के खिलाफ समझा जाए, मौजूदा आमदार के खिलाफ समझा जाए, माजी आमदार के खिलाफ, इन सब के खिलाफ हम एक एहतजाज करेंगे, बड़ा एहतजाज, जो मालेगांव की आवाम और मालेगांव सेंट्रल के लिए हम इंसाफ मांगेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा जितना पैसा हमको मिलना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, उतना पैसा हमको हर हाल में चाहिए। हमको स्टेट गवर्नमेंट से आज तक इस 5 साल में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला, उल्टा हमारा ही पैसा वो हिस्से में चला गया और उस पर आजी माजी आमदार ने कभी कोई बात नहीं बोली और हमेशा उनका साथ दिए। वक्त बदला, आज जो मंत्री साहब की मुखालफत कर रहे हैं, कल यही सब लोगों ने ठहराव कर करके उनको दिया, और आज जब प्रशासक राज में MLA का काम काज था कि दबाव बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेना, मैं तो इस पर हैरान हूँ कि कोई आदमी मुझे एक मर्तबा मंत्री साहब शिवाजी पुतले के पास मिले तो मैं उनको बोला कि यार आप इधर के भी पालक मंत्री हो, ठीक है, आप अगर उनके साथ हो, उनके साथ दिखते हो, तो मालेगांव शहर का क्या फ़ायदा किए ये मौजूदा MLA और माजी MLA दोनों को बताना चाहिए कि जब 5 साल वो मंत्री साहब के साथ थे तो मालेगांव को क्या दिए, और ये जब से मंत्री साहब के साथ है तो उन्होंने क्या फ़ायदा मालेगांव शहर वालों को किया। मालेगांव शहरियान का कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा हमारा पैसा ही उस तरफ इस्तेमाल होता है, और ऐसे नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम कल मीटिंग लेके एक एहतजाज करेंगे कि ये मालेगांव सेंट्रल के साथ, और वो एहतजाज मंत्री के खिलाफ होगा, प्रशासक के खिलाफ होगा, आज के MLA के खिलाफ होगा और माजी MLA के खिलाफ होगा। कोई हफ्ता नहीं जाता ऐसा कि मालेगांव शहर में इफ्तिताह नहीं हो रहा, 2-2, 4-4 हफ्ते में इफ्तिताह हो जाते, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। वो जो 11,000 कॉलोनी में गार्डन की बात है वो भी कभी बनने वाला नहीं, सिर्फ एक इफ्तिताह है। और ये जो PWD में, एक बात बोलना भूल गया, ये PWD में काम इसलिए दिया गया है कि शिवसेना के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा MLA को ये कहा कि कॉरपोरेशन के बजाय यहाँ से टेंडर निकालो PWD से, तो हम तुमको ठेका मैनेज करके दे देंगे।
तो वो ये नहीं बोले, उनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके चाहिए ठेकेदारी के लिए। उनको बोलना ये चाहिए था कि अगर 35 करोड़ का काम है तो आधा काम सेंट्रल में दो, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ ठेकेदारी की नीयत है इनकी, तो वो ठेका मैनेज करने के लिए काम PWD में दिया गया कि दादा भूसे मंत्री जो है उनके प्रेशर में इनको 5 करोड़ का ठेका मैनेज करके मिल जाए, ये रुपया पैसा कमा ले। काम की नीयत है ही नहीं, काम की नीयत होती तो ये बोलते कि इसमें से 20 करोड़ का काम सेंट्रल में दो, 15 करोड़ का उधर दो, मगर ठेका मैनेज करने की जिम्मेदारी मंत्री साहब के कुछ ठेकेदारों ने मौजूदा अंदाज से ली है, इसलिए उन्होंने ये ठेका कॉरपोरेशन के बजाय PWD से निकालना तय किया।